राधे राधे भैया जी। नमस्कार दगड़ियों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सक्लूसिव पहाड़ी में। मेरा नाम है आकाश तस्माना और मैं भी आया हूँ ब्रजभूमि में। तो आपने जैसे हमारे पुराने ब्लॉग देखे होंगे दो, तो उसमें हम घूमे थे बरसाना, मथुरा, ये सब जगह। तो अभी मैं हूँ वृंदावन में। तो आज का ब्लॉग होने वाला है पूरा वृंदावन का। वृंदावन में जो आसपास की जगह होंगी वो हम एक्सप्लोर करेंगे, क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, वो सब मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं राधारमण, जो कि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ दर्शन करते हैं, दिखाते हैं आपको। उसके बाद वहाँ पे केशी घाट भी है, उसके बगल में वहाँ भी जाएंगे और फिर उसके बाद हम आएंगे बाकी सारी मंदिर की ओर। चले हाँ चले। और देखिए अगर आप, मौसम तो पूरा चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो रखा है, सिर्फ कोहरा मिलेगा आपको। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने चश्मा भी निकाल दिया, तो इसका रीज़न भी यही है कि बंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और अटैक मारते हैं सीधे फ़ोनों पे, चश्मों पे, टोपी पे, पता नहीं किस चीज़ पे। बाकी आप बताइए ये पहाड़ी टोपी कैसी लग रही है मेरी। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरा कोरा कोरा, और ये रोड जा रही है सीधे बांके बिहारी मंदिर, और इतने सब लोग अभी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए ही जा रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत ही सुंदर दर्शन हो चुके हैं हमारे राधा रमण मंदिर में। मेरे सामने ही है राधा रमण मंदिर अभी यहाँ पे। तो ये है राधा रमण मंदिर और ये इसका एग्जिट गेट है। तो दर्शन इसलिए भी हो पाई कि ज़्यादा भीड़ थी नहीं, और जब हम गए तो उस टाइम गेट खुला भी। तो आप ज़रूर यहाँ पे आइए और दर्शन करिए। अब यहाँ से हम जा रहे हैं केशी घाट और उसके बाद रंगनाथ जी मंदिर, और यहीं पर पास में निधि वन भी है। तो आप हमारी तरह कर सकते हैं, एक जगह आके सारे मंदिर घूम सकते हैं पैदल ही पैदल। राधे राधे भैया जी। और ठंड भी हो रही है आज, क्योंकि कोहरा भी लगा हुआ है और ठंड का मौसम तो है ही, दिसंबर का टाइम चल रहा है। तो आगे चलते चलते हम दिखाते रहेंगे आपको मंदिर। यहाँ पे मंदिर काफ़ी पास पास है, तो आप पैदल ही आगे दर्शन कर सकते हैं सब जगहों का। तो मैं पहुँच चुका हूँ केशी घाट, दिखाता हूँ आपको। कुछ नहीं दिख रहा ना? हाँ, हमें भी कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोहरा इतना लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। और बाकी ये कि हमने टीका भी लगा लिया है, तो बताना आप कैसे लग रहे हैं उसमें। राधे राधे। कितना चल रहा है आज का वृंदावन का? तो अभी तो हम राधा रमण मंदिर गए थे, उसके बाद हम केशी घाट आए, पर यहाँ घाट पे सिर्फ बोट दिख रही है, उसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा है। इसके बाद क्या प्लान है हमारे? इसके बाद हम जाएंगे आपका बांके बिहारी मंदिर, रघुनाथ मंदिर, और फिर प्रेम मंदिर भी जाएंगे, और देखते हैं अगर आगे फिर टाइम मिलता है, क्योंकि आज शाम को अपने वापस भी जाना है, तो फिर टाइम मिलेगा तब आगे देखेंगे। तो प्रेम से बोलो श्री राधे। और सुधीर भाई, मामा जी, रंजीत भाई, आप दोनों बताइए कैसा लगा आपको आज? आज बहुत ही अच्छा लगा, राधा रमण जी के अच्छे से दर्शन हुए हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, एकदम बढ़िया से दर्शन हुआ।
और अभी केसी घाट आ चुके हैं, पर बहुत कोहरा होने की वजह से हम वापस जाने की तैयारी में हैं। वापस जाने की तैयारी में ही लग रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पे बगल में ही निधिवन भी है, तो वहाँ पे भी दर्शन करेंगे। निधिवन का आपको पता ही होगा, जैसे कि आज की डेट में भी श्री कृष्ण और सारी गोपियाँ जो वो रासलीला रचाती हैं, ऐसा माना जाता है। तो निधिवन का ये है कि दिन में आपको काफ़ी मंदिर दिखते हैं, वहाँ पे बहुत मंदिर दिखेंगे, लेकिन जब रात में श्री कृष्ण रासलीला रचाते हैं गोपियों के साथ, तो एक भी बंदर नहीं रहता, ये है सच बात। तो ये अभी हम जा रहे हैं निधिवन, और ये गेट है मेन एंट्रेंस। ये निधिवन के लिए मेन गेट है, ये एंट्री, ये एग्जिट। तो ये निधिवन अंदर घुस चुके हैं हम, और ये लेफ्ट साइड में पूरा निधिवन है। चलते रहिए, चलते रहिए भैया। तो यहाँ पे एकदम बीच में निधिवन के मंदिर है एक, और ऐसा है कुछ निधिवन। ये पूरा वन है जहाँ पे रात को रासलीला करते हैं भगवान श्री कृष्ण। अभी निधिवन में दो मंदिर है, इनके दर्शन हम करके आ चुके हैं, और लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ में वन है, और बीच में रास्ते दे रखा है जाने के लिए। लोग आ चुके हैं खाने के लिए यहीं पे निधिवन के पास, ढोकला, कचौड़ियाँ, चीला और चाय। राधे राधे। तो अब चलते चलते आ चुके हैं हम रघुनाथ जी मंदिर, और पूरा कोहरा लगा हुआ है मंदिर, इसलिए आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, आज का मौसम ऐसा ही हो गया है। तो फिर लूट मारी का बिजनेस शुरू हो चुका है यहाँ पे, आते ही गाइड पड़ जाते हैं पीछे, आप पहले यार आओ आपको दर्शन कराते हैं। तो हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, इसलिए हम नहीं लेते हैं गाइड जो भी है, तो हमारा गाइड का जो भी एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा रहा नहीं है, जैसे आपने पहले भी देखा ही होगा। बाकी अभी हम जब रघुनाथ जी मंदिर के अंदर घुसे तो यहाँ पे दर्शन बंद है किसी वजह से, और शाम को हमने जाना है, तो बस बार बार से जितनी चीज़ें हम होंगे वो दिखा पाएंगे आपको, क्योंकि दर्शन तो अभी बंद है क्योंकि भूख लग रहा है। बाकी ये कुछ ऐसे रास्ता है, कोहरा ही दिख रहा है दोनों तरफ। और सुधीर भाई, हाँ भाई, रघुनाथ जी हमारा फेवरेट मंदिर, बस इस टाइम बंद है और वो शाम को ओपन होगा। जब हम पिछली बार आए थे तो हमें यही मंदिर पसंद आया था बहुत ज़्यादा। हाँ मामा जी, अभी हमारे तो दर्शन ही नहीं हुए बिना दर्शन के पे जा रहे हैं। हाँ। तो अभी बज चुके हैं दिन के 11:15, और हम अभी रघुनाथ जी मंदिर के एकदम बिल्कुल सामने हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। तो जो ये पूरा मंदिर है वो द्रविड़ियन स्टाइल में है, जो कि साउथ इंडियन स्टाइल होता है। ये पूरे इस मथुरा वाले रीजन में अकेला मंदिर है, तो काफ़ी सुंदर भी मंदिर है ये। तो अब यहीं पे हम दर्शन तो नहीं कर पा रहे हैं, पर थोड़ी बहुत फोटो वगैरह खींच रहे हैं। यहाँ पे कुंड भी है बगल में, वो भी देखेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर। तो ये भी मैं चल रहा हूँ बांके बिहारी गलियों में, और दोनों तरफ मार्केट है यहाँ पे अगल बगल, और ये रास्ता जाता है हमारा बांके बिहारी मंदिर को। तो अभी बड़ा संभल के चलना पड़ रहा है क्योंकि मंदिर भी रहते हैं काफ़ी, लेकिन आपने मैंने टोपी भी निकाल रखी है, चश्मा भी निकाल रखा है, तो रीज़न वही है। कुंज गलियाँ आप वीडियो में देख रहे होंगे, बड़ी ही पतली गलियां हैं, बड़ा संभल के चलना पड़ता है यहाँ पे। तो बस यहाँ से थोड़ा सा आगे बांके बिहारी मंदिर है, और काफ़ी सुंदर मार्केट है। और हमारे जो बांके बिहारी जी हैं उनको चढ़ता है पेड़े का प्रसाद, तो वो भी लेके जाएंगे थोड़ा सा आगे से। यहाँ पर सारे पेड़ और फूलों की दुकान दिखेगी। ये एंट्री है। कौन सी तारीख है?
दलिया मिलेगा 56 भोग का लगा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो बांके बिहारी जी के दर्शन हमने कर लिए हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी आज कल के मुकाबले, कल बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमने रात को भी दर्शन किए थे और अभी हम जा रहे हैं राधा वल्लभ मंदिर। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अंदर का खतरा आपको बताइए, जैसे कि कभी भी झपट्टा हो सकता है, बहुत ही चौकन्ना होकर चलना पड़ता है यहाँ पे। ये आ चुका है राधा वल्लभ जी मंदिर, यहाँ से ऊपर बोलो राधे राधे। तो पहुंच चुके हैं हम राधा वल्लभ जी महाराज। मधुरा पादौ मधुरौ नेतं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। तो अभी मंदिर तो बंद हो चुका है, इस वजह से दर्शन नहीं हो पाए हमारे, पर क्या कर सकते हैं, पिछली बार तो हमने दर्शन कर लिए थे, अब देखते हैं इस बार दर्शन हो पाते नहीं हो पाते। बाकी कैसे लग रहा है भैया जी आपको? राधे राधे बोले भैया जी। राधे राधे भैया जी। राधे राधे बोले भैया जी। राधे राधे। राधे राधे बोले भैया जी। बोलते ही नहीं है। अभी राधा वल्लभ के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर की ओर, देखते हैं दर्शन हो पाते नहीं हो पाते, क्योंकि 12:30 हो चुका, 1:30 का टाइम होता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं प्रेम मंदिर की रोड के तरफ और यहाँ से थोड़ा सा ही आ गए हैं प्रेम मंदिर, देखते हैं खुला मिलेगा नहीं मिलेगा, जो भी होगा दर्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। बाकी हमारे सुधीर भाई हमारे साथ, ध्रुव जी हैं, कैसा लग रहा है भाई सारे मंदिर घूम लिया लग रहा है अभी तक तो। आप प्रेम मंदिर देखते हैं, पहुंचते हैं फिर आके दिखाते हैं आपको वीडियो में। बस प्रेम मंदिर की राह पे निकले हैं, खुला होगा तो दर्शन होंगे वरना वापस कहाँ, वापस निकलना पड़ेगा घर के लिए। जब तक हम प्रेम मंदिर के रास्ते में लगे हुए हैं, मैं आपको बांके बिहारी जी की कहानी बता देता हूँ कि वो कैसे प्रकट हुए थे। तो वो ऐसा था कि बांके बिहारी के एक भक्त थे हरिदास जी, तो वो बहुत ही भजन गाया करते थे, बहुत ही भजन गाया करते थे। तो एक दिन वो ऐसे ही गा रहे थे, उन्होंने बोला कि कृष्ण जी आप प्लीज मेरे को अपने दर्शन दे दीजिए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए थे बांके बिहारी जी के रूप में। फिर उसके बाद हरिदास जी ने यहाँ मंदिर की स्थापना करी थी, 1921 का टाइम था वो, और तब से ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है, काफी लोग यहाँ पे जाते भी हैं और बहुत भीड़ होती है। प्रेम मंदिर हम पहुंच चुके हैं लेकिन मंदिर बंद है, क्योंकि टाइम इसका 12 बजे तक का ही है, अब 4:30 बजे गेट खुलेंगे इसके, बट दर्शन तो नहीं हो पाए। पर मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेम मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत, कि प्रेम मंदिर बनना शुरू हुआ था 2001 में और 2012 में ये बन के कम्प्लीट हुआ। 150 करोड़ की लागत से बनाया पूरा मंदिर, 11 साल लग गए मंदिर को बनने में, पर वो शायद समय बहुत सही रहा कि बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। 8:30 बजे खुलता है, 12 बजे बंद हो जाता है, फिर शाम को 4:30 बजे खुलता है, 8:30 बजे बंद हो जाता है, और 1 घंटे इसमें चलता है म्यूजिकल फाउंटेन 7 से 8। और वृंदावन में मेन अट्रैक्शन यही है प्रेम मंदिर, हर कोई आता है तो प्रेम मंदिर जरूर विजिट करता है, रात के टाइम पे बहुत ही सुंदर दिखता है मंदिर, दिखा देता हूँ। मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम।
बाकी ये मंदिर के आसपास मार्केट भी है थोड़ी। और अभी बैरिकेडिंग लगा रखी है, सफाई वगैरह चल रही है अंदर मंदिर के, काफी चल रही है इनकी। राधे 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 राधे। बहुत सारी फोटोज खींच चुके हैं भले ही मंदिर बन रहे, लेकिन उसकी सुंदरता बाहर से देखी जाती है। तो मुझे पता है कि मैंने बहुत कम ब्लॉग बनाया है और हम बहुत जगह घूमे यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया ही था। इसके बाद हम चल रहे हैं सीधा मथुरा, तो वहाँ पे आपसे बात करते हैं। अभी राधे राधे मित्रों, अब मिलते हैं, देखिए कब बुलाते हैं बाकी बिहारी हम लोगों को। राधे 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 राधे।